हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की दो क्लासेस मैंने यहाँ पर ले चुका हूँ। मैं दो वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है पहले उन वीडियो को जाकर देखना, उसके बाद इस वीडियो पर आना, क्योंकि उसके अंदर उन दो वीडियो के अंदर आपका थोड़ा सा बेसिक आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके मैंने बेसिक आपकी अप्रोच हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो मैंने वहाँ पर आपको करवाए गए हैं। आप लोग पहले वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, तीन चार, तो आप लोग पहले उनको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। आप लोग पैरेलल में उनको देख सकते हो। और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका RRB NTPC का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो 21 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। मतलब अब आपके एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांस हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांस नहीं है। एग्ज़ाम आपका टाइम पर होना है, तो आपको तैयारी भी बिल्कुल जोर शोर से रखनी है, तैयारी में कोई भी ढील नहीं करनी है आपको, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और कमेंट तो आपको करते रहना है, ठीक है। चलो तो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैं भी यहाँ पर लैपटॉप में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% और फिर 12% की छूट प्राप्त करता है, तो उसे कितने के समतुल एकल छूट प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन करने से पहले, इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक बार, कि आपने पढ़ा होगा कि आपका सक्सेसिव क्या होता है, आपका सक्सेसिव इंक्रीज, इसका मतलब होता है यानी कि आपको दो, कोई भी दो वैल्यू आपको दी होंगी, कोई भी दो परसेंटेज आपको दी होंगी, उन दोनों को कंबाइंड के अंदर लिखना, दोनों किसमें लिखना, कंबाइंड के अंदर, तो सक्सेसिव इंक्रीज वो होता है आपका, ठीक है। लेकिन ये तो कब होता है आपका, जब आपका हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, या फिर क्या होता है आपका, ये CI में काम आता है। लेकिन अगर हम बात करें सक्सेसिव डिक्रीज की, अगर हम बात करें सक्सेसिव डिक्रीज की, तो यहाँ पर जो दो परसेंटेज वैल्यू होंगी वो दोनों किस में होंगी आपकी, माइनस में होंगी। ये क्या होता है, ये आता है आपके काम आता है डिस्काउंट के अंदर, ये किस में काम आता है, डिस्काउंट में काम आता है आपका। और ये जनरली किस में काम आता है आपका, CI के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है। तो आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिक्रीज यानी कि डिस्काउंट के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बारे में। आपको दो डिस्काउंट दी हों, आपको तीन डिस्काउंट दी हों, किस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दे, आपको किस तरीके से सोल्व करना है, वो बात आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, आपके पास दो डिस्काउंट हैं, अगर आपके पास दो डिस्काउंट है ए और बी, आपके पास दो डिस्काउंट हैं ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, माइनस ए माइनस का बी, यहाँ पर क्या आता है बताइए एक बार, यहाँ पर आएगा प्लस का, लेकिन ये माइनस का आएगा, इनटू माइनस का बी बटे 100। भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, दो जब दो परसेंटेज वैल्यू आती हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, AB/100, इस टाइप का। आपकी बार आपका डिस्काउंट है, और डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस करना, कोई भी आपकी कीमत है उसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कीमत क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, इसलिए हम लोग साइन क्या करते हैं, माइनस का। तो माइनस का ए माइनस का बी, ठीक है, माइनस ए इंटू माइनस बी, तो इस तरीके होता है। और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए माइनस का बी, और प्लस का क्या आएगा, AB/100। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपको एग्जाम्पल देता है क्वेश्चन के अंदर, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, उसमें आपसे बोलता है कि ए और बी दो डिस्काउंट है आपके, ए और बी क्या हैं, दो डिस्काउंट हैं, तो बताइए इसमें जो रिजल्ट डिस्काउंट होगा वो कौन सा होगा। आपको ए और बी दो डिस्काउंट हैं तो रिजल्ट डिस्काउंट कितना होगा, ऑप्शन इस तरह देता है आपको, ऑप्शन इस तरीके से देता है आपको। पहला ऑप्शन देगा A+B AB/100, सेकेंड ऑप्शन देगा आपको A-B+AB/100, सी ऑप्शन आपको देगा माइनस का ए माइनस का बी प्लस AB/100, और डी ऑप्शन आपको देगा A+B-AB/100। तो आप जहाँ भी आप लोग बैठे हो, तो मुझे आप लोग बताइए ए और बी का रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना होगा,
ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार बेस समझिए, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट ने इसको गलती किया था। देखिए अभी मैंने सिखाया था कि रिजल्ट डिस्काउंट कितना होता है, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी वाई 100 होता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दीबाजी में इसको टिक करके आ जाएंगे, इसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। देखिए डिस्काउंट का मतलब होता है कि माइनस तो आपके बाहर कॉमन आता है, माइनस का मतलब ही होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है कितना एक्चुअल में, ए प्लस बी माइनस का ए बी वाई 100, कितना होगा ए बी वाई 100। तो इसका जो आंसर आएगा, देखिए आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट ये वाला होगा आपका, रिजल्टेंट डिस्काउंट जो होगा वो ये वाला होगा, माइनस का तो मतलब ही डिस्काउंट होता है, माइनस का तो मतलब ही डिस्काउंट होता है, इसके इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी स्टूडेंट जब ये फर्स्ट टाइम एग्जाम में आया था तो 99% लोगों ने इसको रोंग किया था, 99% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को रोंग किया था। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए अब बढ़ते हम लोग हमारे क्वेश्चन की ओर, ये तो था आपको थोड़ा सा बेसिक, अब बढ़ते हम लोग हमारे क्वेश्चन की ओर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और एक बार आप लोग सोल्व करने की खुद ही कोशिश करिए और आंसर कीजिए फटाफट से कमेंट के अंदर। सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और कमेंट आंसर में लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% फिर 12% की छूट प्राप्त करता है, यानी कि दो डिस्काउंट प्राप्त करता है, तो समतुल्य डिस्काउंट कितना होगा, यानी कि इसका इक्वेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, दोनों का मिला के आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल पाएंगे देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया था ए प्लस डिस्काउंट है ना ये माइनस के, माइनस का बी प्लस का ए बी वाई 100, ये होता है। अब देखिए कितना यहाँ पर माइनस का 35, ठीक है, ये कितना है माइनस का 12, प्लस का कितना आएगा 35 × 12, ये माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस और माइनस के हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सोल्व करेंगे आप लोग, तो ये कितना आएगा 35 और 2 से कितना हो गया 37, यानी कि 47, ठीक है, माइनस का। और प्लस का कितना आएगा देखिए, इसको सोल्व करोगे 12 × 5 = 60, 6 बजेगा 12 × 3 = 36 और 6 कितना हो गया 42 बटे आएगा 100। सोल्व करेंगे तो माइनस का 47 प्लस का कितना आएगा 4.2, यानी कि जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, एक बार बताइए कितना आएगा 42.8। अब देखिए आपका जो आंसर आया है वो किस में आया है, माइनस में आया है, आपका जो आंसर आया है वो किस में आया है, माइनस में आया है, लेकिन मैंने क्या कहा था डिस्काउंट का मतलब ही क्या होता है, माइनस होता है, तो हमें माइनस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या कहा था आपको माइनस क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो वही अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाया था वही मैं आपको समझा रहा था कि वहाँ पर आपको माइनस आपको शो नहीं करना है, माइनस को हटा कर आपको जो बचेगा, माइनस जो आ रहा था उसको हम कॉमन ले लेंगे, हटा लेंगे उसको, उसके बाद जो संख्या बचेगी वो क्या होता है आपका डिस्काउंट होता है। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 42.8, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बेसिक और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाया, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम आसान क्वेश्चन है। ये आपसे एक फॉर्मूला ही पूछा है आपसे कि जब अगर 3 डिस्काउंट होते हैं तो 3 डिस्काउंट कैसे निकलते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए आपको इतना तो पता लग गया होगा कहीं ना कहीं तो माइनस आएगा, कहीं ना कहीं तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो तीनों की तीनों क्या हैं आपके पॉजिटिव हैं, और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन आप लोग चेक करोगे तो ये हो सकता है शायद, देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी, लास्ट में दोनों में ही माइनस आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि लगातार दो माइनस आएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, ठीक है, माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, यानी कि 10,000। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है
याद रखना है, इसको रटना है, कैसे भी रट लिया आप लोग इसको याद रखना है, आपको ये बहुत ही काम आ सकता है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। आपको सिंपली कैसे याद रखना है, तीनों को ऐड करेंगे पहले तो भाई, दो होते हैं तो दो में क्या करते हैं ऐड करते हैं, यहाँ तीन संख्या है तीनों को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे दो को, फिर दो को, फिर दो को, और बटे क्या कर देंगे 100, और तीन है इसलिए क्या कर देंगे दो जीरो अगली बार और आ जाएंगे एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आया कैसे ये आपको खुद को निकालना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे आपने निकाला था माइनस का ए माइनस का बी प्लस का ए बी वाई 100, ठीक है, ये एक डिस्काउंट आ गया, ये क्या आ गया एक डिस्काउंट आ गया, और एक डिस्काउंट क्या आएगा सी आएगा। अब इनको आपको वापस से ए प्लस बी ये फॉर्मूला था ना एक्स प्लस वाई प्लस पाओ, ठीक है, इसमें पुट करना है और आपका आंसर यही आएगा। आप लोग खुद सॉल्व करना इसको, आप लोग खुद सॉल्व करना, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं लाइव क्लास के अंदर संडे को मैं लाइव क्लास लूँगा उसके अंदर मैं आपको इसका डेरिवेशन बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ आएगा देखिए एक बार, ये हमारे कैसे यूज़ में आ सकता है आप लोग चेक करो देखें एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला वाला, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा है, 15% 10% और 8% की तीन क्रमागत छूटें आपको दी हुई हैं, तो आपको निकालनी है कि इनका जो रियल डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, डिस्काउंट है आपके पास 15%, दूसरा है कितना 10%, तीसरा है 8%। अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या करेंगे देखिए ए, आपको दो तीन में प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो गया अपने ए बार तो क्या आएगा तीनों को जोड़ना है, प्लस आ गया पूरा, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन क्या आ जाएगा 100। ये प्लस ए इसमें आ गया माइनस में, अगले जो आएगा वो इसमें आएगा प्लस में आएगा, तो तीनों को ऐड कर देना है गुणा कर देना है, बटे कितना आएगा 10,000। ठीक है, देखिए अब सोल्व कर लेंगे, देखिए तीनों को ऐड करो 15, 10, 25 और 8 कितना आ गया 33, माइनस इनको ऐड करेंगे कितना आएगा देखिए 15 और 10 कितना गया बताइए 150, 10 और 8 कितना गया 80, 15 और 8 कितना आएगा 150, 120, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा देखिए 150, ये तो कितना हो गया देखिए 200, ये जगह 350, बटे कितना जगह 100, प्लस तीनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 15 अंठे 120 यानी कि 1200/100, ये आपको कट जाएगा। ठीक है, दो जीरे काट दो, और ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 0.12, यहाँ पर क्या बचेगा आपका देखिए ये जगह 3.5 माइनस का, ये जगह 33। अगर आप सोल्व कर रहे होंगे यहाँ पर आप लोग सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बताइए क्या आएगा देखिए 30 में से हम लोग क्या करेंगे 30 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास बताइए, ये 3.5 है क्या या कुछ कम बचेगा यहाँ पर, एक मिनट रुकिए एक बार, 15 ये तो आएगा कितना 200 350 सही तो है ना, ये ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 33 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो 29.5 जगह यहाँ पर ना, कितना बचेगा ये 29.5। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे 1.212 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 26, तो 29.62 ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। तो एकदम आसान हो जाएगा, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला रट लिया याद कर लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के समझाया है, बाकी देखिए एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम के अंदर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है आपको, उसके बाद सोल्व कैसे करना है देखिए। ठीक है, आप कुछ जन बोलेंगे सर हम इसको तो फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, फिर हम फॉर्मूला याद क्यों रखें, सपोज करो अभी जो क्वेश्चन आया आपका फॉर्मूला बेस्ड आपका एग्जाम में डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ ले, तो अगर आप फिर आप लोग फॉर्मूला निकालने बैठोगे इस टाइम पे तो फॉर्मूला भी याद रखो, क्या पता आपसे एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ ले। ठीक है, बाकी देखिए फॉर्मूले से आप क्वेश्चन आसान कर सकते हो, 15, 10, 25 और 8 कितना आ गया 33, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा 150, इसको गुणा करेंगे तो 120, इसको करेंगे कितना आएगा 80, है ना, ये आप ऊपर नीचे हो गए देख लेना आप लोग, बटे कितना जाएगा 100, तीनों गुणा करेंगे कितना आएगा 15 अंठे 120 1200/100 10,000। अब इनको सोल्व नहीं कर सकते आप लोग बताइए, इतना सही है 10-15 सेकंड लगेंगे, बाकी आप लोग करके देख लेना आपको कितना टाइम लगता है, और जो आप दिमाग में तरीका सोच रहे हो वो भी देख लीजिए एक बार,
जो आपके माइंड में आ रहा होगा एक तरीका, वो ये आ रहा होगा 15% मतलब होता है 3/20, 15% को लिखोगे फ्रैक्शन में तो होता है 3/20, ये होता है 1/10, ये होता है आपका कितना होता है एक बार 2/25। आप सोल्व करोगे, देखिए 20 पर अगर आपको, देखिए सोल्व कैसे करते हैं डिस्काउंट के अंदर, अगर 20 क्या है आपका MRP है और 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, 3 का क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग MRP, यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है। MRP अगर 20 है, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बेचो कितने में, ये बार इसको बेचो कितने में, सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका, ये आएगा 17, ठीक है। फिर देखिए आप लोग वैसे 10 से एक कम करो कितना जाएगा 9 आ जाएगा, 25 से कितना जाएगा 23 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे हम लोग, 20 × 10 × 25, इसको गुणा करेंगे 17 × 9 × 23। फिर क्या करोगे, ये जो MRP आया है और ये डिस्काउंट, ये आपका सेलिंग प्राइस है, इनमें से माइनस करोगे, जो भी माइनस आएगा वो डिस्काउंट आएगा। फिर क्या लिखोगे आप लोग, डिस्काउंट बटे MRP लिखोगे यहाँ पर, इंटू 100 करोगे, फिर जब जाके आपका आंसर इसमें आएगा परसेंटेज में। तो इतना टाइम आपको लग जाएगा, इतनी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, इससे अच्छा है आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ वो आपके काम के ही पढ़ाता हूँ, फालतू चीज़ें मुझे पढ़ाने का शौक नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट में डाउट रहता है कि सर बताने क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखिए अगला ऑप्शन, देखिए अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 22 सही 2/9%, 14 सही 2/7%, 6.25% के 3 क्रमागत छूट किस प्रकार होंगी, इनको एक डिस्काउंट में आपको चेंज करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा और एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा भी नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये वाला तरीका अपनाना है, कौन सा वाला, फ्रैक्शन वाला, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सारे तरीके आने चाहिए कि आप क्वेश्चन चेक कैसे घुमा ले, आप लोग उसको आसानी से कर पाओ, ठीक है। बताइए एक बार क्या आप लोग कर पाओगे, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं एक बार। देखिए 22 सही 2/9, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 22 सही 2/9% का मतलब कितना होता है, आपको पता होगा कि देखिए 11 सही 1/9 कितना होता है, बताइए एक बार, 1/9 होता है क्या, बताइए। तो 22 सही 2/9 कितना होगा, 2/9%, 2/9 होगा। वैसे हम लोग बात करेंगे 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% कितना होता है आपका, ये होता है 1/7। वैसे हम लोग बात करेंगे 6.25, या फिर हम कह सकते हैं 6 सही 1/4, ठीक है, ये किसमें आपका परसेंटेज में है। तो फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं इसको, तो एक बार 1/16, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। परसेंटेज में मैं आपको, मैंने अनअकैडमी पर देखिए आप लोग, अनअकैडमी आप लोग मेरी प्रोफाइल में जाना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है, इसकी वीडियोज। देखिए अब देखिए पहला डिस्काउंट कितना है, 2/9 का है, सेकेंड है 1/7 का, तीसरा है 1/16 का। तो अगर आपका MRP, यहाँ पर लिखेंगे MRP, ये लिखना नहीं है आपको, ये तो मैं आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ये आपको इतनी चीज़ लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 9 पर कितने का डिस्काउंट मिला, 2 का, 9 पर अगर आपको 2 का डिस्काउंट मिल रहा है तो देखिए 9 रुपये की वस्तु थी, 2 का डिस्काउंट मिल गया, बेचो कितने में, 7 में, 7 रुपये की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट मिल गया आपको, बेचो कितने में, 6 में, 16 की वस्तु थी आपके पास, 1 का डिस्काउंट मिल गया, बेचो कितने में, 15 में। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सुनिए बात है लोग, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको गुणा लिखेंगे यहाँ पर, 9 गुणा करेंगे 7 × 16, फिर 7 × 6 × 15, उसके बाद सोल्व करेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। अरे भाई जो चीज़ आप यहाँ पर काटते हो उसको आप लोग यहीं काट दिया करो, आप लोग यहीं पर काट दिया करो, कैसे काटोगे देखिए सीखना आप लोग। देखिए इसको मैं लिखता हूँ इस पेन से, है ना, रेड से एक बार, देखिए इसको काट देंगे 3 से, ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार, काट दो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काट दो इसको वापस से, कितनी बार कटेगा ये, 5 बार, 2 से काट दो कितनी बार कटेगा ये, 8 बार, 7 से काट दो 7 बार, तो देखिए कितना बचेगा आपको। अब आपकी कैलकुलेशन जो है आपकी बहुत ही कम हो चुकी है, आपकी कैलकुलेशन देखा कितनी कम हो चुकी है, यहाँ पर आपको चेक करना है एक बार आपकी जो कैलकुलेशन है कितनी, देखिए यहाँ से कितना बचा आपका, ओनली 8 बचेगा, ओनली यहाँ से कितना बचेगा, ओनली 5 बचेगा। तो 8 की वस्तु पर आप 5 में बेचते हो, 8 की वस्तु को आप 5 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो बताइए, क्या 3 का डिस्काउंट मिल रहा है क्या आपको, तो 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पर, 8 पर, गुणा कर देंगे 100 से, और 3/8 कितना होता है, 37%, 37 सही 1/2% होता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, क्योंकि 1/8 होता है वो होता है कितना, 12.5%, 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 37 सही 1/2%, ये मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूँ, ठीक है।
बताइए इसमें किसी को डाउट है क्या, तो इस टाइप से आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो इसको रिविजन कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार आसान सा क्वेश्चन है वाला। मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा, हर चीज़, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको छोड़ दूंगा पर, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के अंदर, देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग फुल में से फुल नंबर ला सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, क्या कर रहा है, एक कंपनी जो है चार प्रकार के छूट देती है, तो ज्ञात करें कौन सा ऑफर जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। देखिए आपको चार ऑफर दिए हुए हैं यहाँ पर, पहला जो ऑफर दिया हुआ है 40% एंड 10%, सेकंड जो आपको ऑफर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45% और 5%, तीसरा जो ऑफर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30% और 20%, चौथा जो ऑफर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35% और 15%। देखिए पहले करेंगे इसका बेसिक, इसको बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में इसको आपको बिना पेन चलाए कैसे करना है। ठीक है, देखिए देखिए पहले तो सोल्व करेंगे इसको, आपका फॉर्मूला सभी को याद होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको, ठीक है, आपको सभी को याद होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, सभी को याद होगा ये वाला फॉर्मूला आपको। तो सोल्व रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे, देखिए डिस्काउंट है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 40 माइनस का 10 प्लस का 40 गुणा 10 बटे 100, सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 50 आएगा, यहाँ से दो जीरो कट जाएंगे आपकी, तो कितना आएगा, चार कटा देंगे तो कितना जाएगा 46% क्या आएगा, डिस्काउंट आ गया, कितना आ गया, डिस्काउंट आ गया। ठीक है, देखिए आपको सिंपल तरीके करना है, जब ऐसा आता है इतना नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, इतना नहीं लिखना है, आप क्या करेंगे 45 और 50 हो गया, 50 में से दोनों गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 50 तो लिखेंगे हम लोग 50 तो लिखेंगे लिखेंगे और प्लस में क्या लिख देंगे, दोनों गुणा कर देंगे 45 × 5/100। ठीक है, तो करो गुणा कितना आएगा, ये 50 25 आएगा, ये जगह 2 5 20 और 2 22, ये 2 आ जाएगा, कितना आएगा, ये जगह 2.25। सोल्व करो कितना आएगा, देखिए 50 में से 2.25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा 47.75, तो 47.75 आ गया। फिर देखिए तीसरे की बात करेंगे, 30 में 50 आ जाएगा भाई, 50 माइनस का और प्लस में क्या कर देंगे, देखिए 3 × 6 6 कर देंगे प्लस में, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 46%। ठीक है, सॉरी 44 है ना। उसके बाद देखिए 35 और 15 कितना हो गया था, एक बार ये भी कितना हो गया, 50 हो गया है ना। ठीक है, फिर कितना आएगा, देखिए गुणा कर दीजिए इनको, 15 × 5 75 7 बचेगा, 15 × 3 45 और 7 कितना गया 52, और 2 पॉइंट लगा देंगे क्योंकि बटे में 100 आता है इसलिए। ठीक है, तो कितना करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा, देखिए 50 में 6 घटा दो कितना बचेगा, 44.75। अब आप लोग मुझे बताइए, आपके पास चार डिस्काउंट हैं, आपके पास चार डिस्काउंट हैं, तो कौन सा डिस्काउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई वस्तु आपके पास है, कोई वस्तु आपको 100 रुपये की है, किसी वस्तु पर MRP जो है, किसी वस्तु पर MRP जो है वो 100 रुपये लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर या किसी बुक पर आपके MRP 100 रुपये लिखा हुआ है, अब दुकानदार कहता है कि मैं आपको बताइए आपको 46% डिस्काउंट दूँ, आपको मैं 47.75 दूँ, 44 दूँ या 44.75 दूँ, आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा रहेगा। अरे जहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतनी आपको जो किताब है या कोई भी आर्टिकल वो कम कीमत पड़ेगा आपको, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा जो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा कौन सा आपका, ये वाला 47.75, यानी कि अगर आपको 47.75% डिस्काउंट मिलता है वो, तो चारों डिस्काउंट में से वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतना आपको सोल्व नहीं करना है एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि होता कैसे। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, देखिए आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, आप लोग इन चीज़ों को भूल जाइए, एक बार आपको सोल्व करना ही नहीं है, सोल्व तो आपको करना ही नहीं है, आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है वो चीज़ सीख रहे आप लोग। मुझे आप लोग बताइए इन चारों के अंदर सबसे मैक्सिमम कौन सा है, सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो आप कहोगे 45%, सबसे मिनिमम कौन सा है, तो आप कहोगे 5%। जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम संख्या और मिनिमम संख्या एक साथ है, वही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको चेक करना है, जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम संख्या जहाँ पर आपको मिल जाएगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है वाला, ठीक है।
आपको एग्जाम में इसी टाइप से करना है, सोल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट में लिखते रहिए कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ करते रहिए कीड़ाबाजी, ताकि आपका भी टाइम पास होता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है या तो आप लोग एग्जाम में आप कर ही नहीं पाओगे, और कर पाओगे आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन भी करना है आपको और टाइम भी बचाना है आपको, तो मेरे तरीके से करिए फिर ना। देखिए तीन समान क्रमागत छूट जो है आपको दी हुई है 78.4 बराबर है, तो प्रत्येक छूट कितनी होगी, यानी कि तीन डिस्काउंट मिलाकर आपको एक रिजल्ट डिस्काउंट आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाना है कि वो एक डिस्काउंट कितना था, वो एक डिस्काउंट कितना था वो आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। देखिए यानी क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास डिस्काउंट थे मान लीजिए एक्स परसेंटेज, वाई परसेंटेज और जेड परसेंटेज। अगर ये अलग अलग होते तो, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, तो तीनों डिस्काउंट के आपके पास एक्स परसेंटेज, ये भी आपके पास एक्स परसेंटेज है, ये भी आपके पास एक्स परसेंटेज है, और तीन का रिजल्ट डिस्काउंट जो है यानी कि लास्ट डिस्काउंट जो है वो आपको दे रखा है 78.4%, यानी कि टोटल जो डिस्काउंट है आपका, टोटल डिस्काउंट कितना है आपके पास, इतना है। आपसे पूछा है कि एक डिस्काउंट कितना होगा, एक्स परसेंटेज कितना होगा, यानी कि एक डिस्काउंट कितना था इसका, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर MRP, यहाँ पर लिखेंगे SP। तो MRP कितना था, देखिए MRP हम मान लेते हैं कितना था, 100 रुपये था, यानी कि किसी वस्तु पर MRP कितना था, 100 रुपये लिखा हुआ था, किसी पुस्तक पर आर्टिकल 100 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन उसने तीन छूट दी और कितने की डिस्काउंट दिया उसको, 78.4 यानी कि 78.4% का तो डिस्काउंट दे दिया उसको। अब इतने का डिस्काउंट दे दिया तो उसने बेचा कितने में, उसको बेचा कितने बताइए एक बार, तो घटा दीजिए इसको, 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, आप लोग बताइए कितना बचेगा, घटाओ क्या 216 बचेगा क्या बताइए एक बार, 21.6 बच जाएगा आपके पास, कितना बचेगा, 21.6 आपके पास बच जाएगा। MRP और CP का SP का क्या गया, रेशियो आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ये बटे में क्या आएगा, 10 आएगा, बटे में क्या जाएगा, 10 आ जाएगा, और इस 10 को आप लोग यहाँ पर ले आइए, 10 को आप लोग कहाँ ले आइए, इस टैग ले आइए, पॉइंट हटेगा तो 10 को हम लोग एक अब यहाँ लिखेंगे अगर संख्या में, तो जब पॉइंट आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि बटे में आएगा वो इधर चल जाएगा, ये कितना जाएगा 216। अब आप चेक करो कि यहाँ पर हमें तीन डिस्काउंट चाहिए थे, हमें तीन डिस्काउंट चाहिए थे और ये तीनों का डिस्काउंट मिला के इतना आ रहा है, तीनों का डिस्काउंट मिला के हमें इतने बेच रहा है, एक डिस्काउंट कितने का रहा होगा, एक डिस्काउंट जो है वो कितने का रहा होगा, आप खुद चेक करो। अगर तीन डिस्काउंट है ना तो ये क्या है, ये 10 का तो क्यूब रहा होगा और ये 6 का क्यूब रहा होगा, यानी कि आपका जो डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट जो है वो कितने का रहा होगा, 10 से 16 का, यानी कि कोई चीज़ आपके पास 10 की थी और आपने इसको 6 में आपने बेचा होगा, उस वस्तु को कितने बेचा होगा आपने, 6 में बेचा होगा आपने, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का मिला था, एक बार डिस्काउंट कितने का मिला, आप कहोगे 4 का डिस्काउंट मिला, कितने का मिला, 4 का डिस्काउंट मिला, और कितने पर, 10 पर गुणा कर देंगे 100 से, तो एक्स का मान आपके पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 40%। तो एक जो डिस्काउंट था वो कितना आ गया आपके पास, 40%, बताइए समझ में आया नहीं आया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको इसका थोड़ा सा मैथड समझना है। अगर आपका ये 2 साल का होता, अगर ये 2 डिस्काउंट होते तो क्या करते, स्क्वायर करते, और अगर 3 डिस्काउंट है तो क्या कर देंगे, इसका क्यू रूट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, क्यू रूट। देखिए एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है, आपको ना एग्जाम में आपको इतना लिखना ही नहीं है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे। बाकी एग्जाम में तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 100 था, 78.4 का डिस्काउंट था, बेचा कितने में, इतने का डिस्काउंट देगा तो बेचा कितने में, 21.6 में, पॉइंट हटेगा तो 10 इधर आएगा, ये कितने का क्यूब है, 10 का, ये कितने का क्यूब है, 6 का, कितने का डिस्काउंट दिया, 4 का, कितने पर, 10 पर, इनटू कर देंगे 100 से, तो कितना देगा, 40%। सिर्फ एग्जाम में इतना करना है आपको, इतना भारी चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, काफ़ी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है एग्जाम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि मैं आपको कोई चीज़ समझाऊँ और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हुआ है क्या आज तक, बताइए आप लोग खुद ही बताइए, कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक मैंने आपको समझाया है और ऐसा कभी हुआ है कि आपको समझ में नहीं आया हो, आपका ध्यान बोर्ड पर हो, आपका ध्यान बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो और आपको समझ में नहीं आया हो, ऐसा कभी हुआ है क्या, तो एक बार कमेंट बताइए एक बार, ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं हुआ ना तो फिर आगे भी नहीं होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने डिस्काउंट के ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो आपका डिस्काउंट में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और एक क्वेश्चन फिक्स आएगा डिस्काउंट का, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ये मेरी गारंटी है, आएगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और गलत होना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या करें, अगला क्वेश्चन पढ़िए।
एक वस्तु को 15% और एक्स परसेंट की क्रमिक छूट के बाद 1652.4 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको दे रखा है तो एक्स का मान बताइए। देखिए आपको एमआरपी आपको दिया हुआ है, एमआरपी आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ था ये 2400 रुपये, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, और दो डिस्काउंट देने के बाद में उसको कितने बेचता है, वो दो डिस्काउंट देने के बाद में बेचता है उसको 1652.4, इतने में क्या करता है वो सेल आउट करता है। आपको रेशियो हमेशा किस में लिखना है, एमआरपी के अंदर और एसपी में रेशियो लिखना है, ठीक है, समझ पा रहे आप लोग, इस तरीके आपको लिखना है। और आपको जो डिस्काउंट दिया हुआ है, आपको जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो कितना डिस्काउंट दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है एक तो, और दूसरा जो डिस्काउंट है आपके पास, दूसरा जो डिस्काउंट है वो दिया हुआ है एक्स परसेंटेज, और यही आपको निकालना है। तो एक तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, वो तो क्या तरीका हो सकता है इसका, आप लोग क्या करते होंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, आप लोग सोल्व ऐसे ही करते होंगे। इसको देखिए 2400 आपका एमआरपी था, इस पर क्या करते हो आप लोग, भाई फॉर्मूला होता है ना आपका, एमआरपी पे क्या देते हो आप लोग, 100 माइनस क्या देते हो डिस्काउंट बटे 100, अगर एक डिस्काउंट है तो, अगर दो डिस्काउंट है तो क्या करते हो D2/100, और बराबर क्या आता है एसपी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग उसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो, इससे भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। देखिए सोल्व करते हैं कितना आएगा, देखिए इससे बार 15% डिस्काउंट दे रहे हो तो बेचो कितने में इसको, 85% पे, ठीक है। और एक्स परसेंट का डिस्काउंट है, एक्स परसेंट का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा ये 100 माइनस का एक्स बटे 100, और एसपी कितना है 1652.4। अब ये पॉइंट हटा के हम क्या कर देंगे, बटे में जीरो कर देंगे। सोल्व करते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके पास, 17 से काट दो 5 बार, 17 से काट दो कितनी बार कटेगा, देखिए 17 17 119 17 9 153, 12 बचेगा 122 है ना, 17 17 119 17 34 ये बचेगा आपके पास, और काट दो उसको कितना कटेगा ये 12 2 24 12 96 1 12 12, और कुछ कट रहा है क्या, अरे कट रहा होगा, 5 2 10 10 से कट जाएगा अपना 10 बार, 10 से 10 भी कट जाएगा, कितना आएगा 81। तो 100 माइनस एक्स बराबर आ गया 81, तो एक्स का जो मान आएगा वो कितना जाएगा था एक बार, वो कितना आएगा 19, एक्स का मान कितना आ गया 19%। तो आपका जो डिस्काउंट था वो कितना था, एक्स का मान कितना आ गया पर 19%, यानी कि आपका जो सेकंड डिस्काउंट था वो कितना आ गया 19%। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको इसका सेकंड जो मेथड है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एमआरपी पहला डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट और ये बराबर होगा एसपी के, इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ मेरे तरीके से कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हो मेरे तरीके से। देखिए हो सकता है कि आपको ये तरीका समझ में नहीं है, लेकिन आप दो या तीन बार देखोगे तो आपको माइंड में बैठ जाएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में ये तरीका अच्छा है, ठीक है। स्टार्टिंग में लगता है कि हम तो पुराने तरीके से ही कर लेंगे, लेकिन वो पुराने तरीके के चक्कर में फिर नए क्वेश्चन वो लोग नहीं सीख पाते, ठीक है। इसलिए तो पहला डिस्काउंट जो आपके पास था, पहला जो डिस्काउंट था वो था 15%, सेकेंड डिस्काउंट हमें निकालना है, तो 15% का मतलब होता है 3/20, और 3/20 का मतलब होता है 20 अगर आपका एमआरपी है, 20 अगर एमआरपी है तो 3 क्या है यहाँ पर डिस्काउंट है, 3 क्या है डिस्काउंट है, और सेलिंग प्राइस कितना होता है यहाँ पर 17 होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 20 रुपये की कोई चीज़ थी, 3 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, 17 रुपये के अंदर, बस आपको इतना ही याद रखना है। देखिए ये आपका डिस्काउंट था, ये जो पॉइंट है ना ये कहाँ आएगा, ये बटे 10 लिखोगे, और बटे 10 जो होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो बटे 10 में आएगा, और 10 कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद क्या करना है, अगर एमआरपी कितना है, देखिए यहाँ पर एमआरपी कितना है, 20 है क्या, एमआरपी की कटे क्या करेंगे, एमआरपी जहाँ पर एमआरपी है उसके बटे में लिख देंगे एमआरपी, और जहाँ पर एसपी है, एसपी कितना है हमारा 17 है, तो 17 की जगह यहाँ पर 17 से डिवाइड कर देंगे, एमआरपी में एमआरपी का डिवाइड कर देंगे और एसपी में एसपी का डिवाइड कर देंगे। सोल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, 17 से काट दो उसको, कितनी बार कटेगा, 17 9 153, फिर अच्छेगा 17 2719 972, इसको काटोगे ये आएगा 1200, ठीक है। 3 से काट दो 4 बार, 3 3 9 3 9 6 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और भी कट रहा है तो काट दो, 100 बार काट दो, 4 32 4 5। अब देखिए आप लोग, कोई 100 रुपये की चीज़ थी उसको आप लोग 81 में बेच रहे हो, 100 रुपये की चीज़ को आप लोग 81 में बेच रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आपको बताइए एक बार, आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है बताइए एक बार, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो आप कहोगे डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर 19 का,
कितने का डिस्काउंट पर। और क्योंकि हम लोग ये 100 पर निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं 100 पर, और ये पहले ही 100 पर है, तो ये आप लोग सोल्व कर लो। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि सर लिखना है हमें, तो लिख लो भाई। तो कितना आएगा 19%। तो आपका जो एक्स परसेंटेज आ गया वो कितना आ गया 19%, यानी कि सेकंड डिस्काउंट है आपका कितना आ गया 19%। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से आपको MRP और SP का रेशो निकालना है, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सर ये 100 है, ये 81 है, तो हो सकता है कि सर ये तो 10 का स्क्वायर हो सकता है, और ये तो 10 का स्क्वायर हो सकता है, और ये 8-9 का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आपके पास दो डिस्काउंट थे, हालांकि दो डिस्काउंट थे, लेकिन एक डिस्काउंट को मैंने यहाँ पर आपको ले लिया है, एक डिस्काउंट मैंने पहले ही आपको ले लिया है, ये 20 से डिवाइड कर दिया है, ये 17 से डिवाइड कर दिया है, तो एक डिस्काउंट ले लिया है, तो हमें एक ही डिस्काउंट चाहिए हमें, तो एक डिस्काउंट पर हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं, ठीक है। एक डिस्काउंट पर जो वैल्यू आती है उसी पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। जब दो डिस्काउंट कंटिन्यू होते हैं तब हम लोग उसको काम करते हैं, ठीक है। अब आपको एक डिस्काउंट तो आपको दिया हुआ पहले से, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपको तीन डिस्काउंट थे, तो हमने क्या कर दिया था, क्यूब रूट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक डिस्काउंट है, तो एक डिस्काउंट पर तो ना क्यूब करते हैं ना स्क्वायर करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक दो छूटें आपको दी हुई हैं, प्रत्येक एक्स परसेंट छूट दे रहा है वो, और छूट देने के बाद जो टोटल जो डिस्काउंट है वो आपको दे रहा है 259.20 रुपये। यदि वस्तु का अंकित मूल्य आपको 720 दिया हुआ है, तो एक्स का मान कितना होगा। आपको क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है सिर्फ MRP और लिखना है आपको सेलिंग प्राइस। MRP कितना है, एक बार MRP है आपके पास 720, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ, देखिए आपको पता है कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, देखिए 259.20, इतने का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो हमें तो चाहिए SP। तो देखिए MRP, देखिए आपकी कोई भी बुक थी आपके पास, उस पर रेट छपी हुई थी 720 रुपये, उस पर आपको इतना तो आपको डिस्काउंट दे रहा है भाई, इतने का तो मैं आपको छूट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो डिस्काउंट हटा के जितने बचेंगे उतने में आप लोग खरीदोगे, उतने में दुकानदार आपको बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा आपका, 720 में से माइनस कर देंगे 259.20, तो कितना आएगा आप लोग सोल्व कर सकते हो, 0.80 आएगा यहाँ पर ये, ठीक है 0.80 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बचेगा, ये 9 में से 9 बचेगा, 0 बचेगा आपका, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4, तो कितना आएगा 460.8, ठीक है ये बचेगा, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट हटेगा तो एक 0 इधर बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि बटे में आएगा और बटे में यहाँ चला जाएगा, ठीक है। आप लोग सोल्व कर सकते हो आसानी से, बहुत ही आसान सा हो जाएगा तरीका ये। देखिए काट दो, कितने से कटेगा, देखिए कितने से कटेगा आप बताइए, खुद ही बताइए, क्या 2 से काट देंगे, एक बार 2 से काट दें तो कितना आएगा ये 3600। 2 से मैं इसलिए काट रहा हूँ ताकि आपके पास जो है ये एक स्क्वायर बन जाए, फिर कितना हो जाएगा ये 2304। अब आप खुद ही चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आपको दो डिस्काउंट निकालने हैं, क्योंकि एक्स परसेंट के दो डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं, और दो डिस्काउंट का मतलब होता है स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्या होता है स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट निकालना है मतलब। तो ये कितने का स्क्वायर रूट है, ये है आपका 60 का, और ये कितने का होता है ये पर, ये होगा आपका 48 का, ये कितने होगा 48 का, यानी कि 60 की वस्तु जो है आपको कितने मिल रही है 48 में, ठीक है 60 की वस्तु आपको मिल रही है 48 में, तो डिस्काउंट कितने का मिला आपको, आपको डिस्काउंट कितने का मिला, आप कहोगे 12 का डिस्काउंट मिला, कितने पर 60 पर, गुणा कर देंगे 100 से, तो 12 से काट देंगे 5 बार, तो कितना आ गया 20%, यानी कि इसका जो एक डिस्काउंट होगा वो 20% का होगा, इसका जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो 20% का होगा, ऐसे आपको दो डिस्काउंट दिए हैं 20% के, ठीक है। तो यही आपका आंसर था, बिल्कुल ही आसान सा था आपका, दो डिस्काउंट है तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तीन डिस्काउंट है तो क्या निकालते हैं क्यूब रूट निकालते हैं, और एक ही डिस्काउंट है तो जो वैल्यू है उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। और जिसको समझ नहीं आया, जब तक आप ये वाली वीडियो 2 या 3 बार नहीं देखोगे आपको हमेशा ज़िंदगी भर आपको कन्फ्यूज रहेगा। 2-3 बार तो कम से कम वीडियो देखनी है आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, ठीक है। और आपके जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं उनको तो आप लोग शेयर करते रहिए इस वीडियो को, उनको आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ये वाला उतार लिया होगा। अब देखिए एक बार अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप लोग पढ़ सकते हो क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 900 रुपये, ठीक है
वह 20% और 10% की क्रमिक छूट के उपलब्ध है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो आसान ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है वाला। तो देखिए कैसे करेंगे आपको, देखिए मैंने आपसे कहा था MRP इंटू आपका जो डिस्काउंट है सेकंड डिस्काउंट है आपका, ठीक है, वो किसका होता है सेलिंग प्राइस के। तो वही क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। देखिए 900 रुपये है इंटू क्या कर देंगे, देखिए 20% बेच रहा है तो कितने में बेचेगा बताइए, 20% डिस्काउंट है बेचे कितने में 80 में, अगर सेकंड डिस्काउंट 10% है बेचे कितने में 90 में, 100 में से माइनस कर देंगे ना, और ये किसके बराबर आपको निकालना है। तो ठीक है 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आपके पास ये भी कट जाएंगे 2 0 से 2 0, तो कितना आएगा आंसर देखिए 9 8 72। 72 को आप लोग 9 से गुणा करोगे, 72 को आप लोग 9 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 648। कितना आएगा आंसर 648, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है आसान सा क्वेश्चन था, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन भी एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। एक कमीज का अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 150 रुपये, दो क्रमांकर डिस्काउंट देने के बाद जो है इसका मूल्य 105 है, और दूसरा बट्टा अगर आपका डिस्काउंट जो है 12.5% है तो पहला डिस्काउंट कितना होगा। देखिए वही आसान सा क्वेश्चन है वाला, आपको मेरे तरीके से करना है, MRP लिखना है, अनुपात लिखना है SP। MRP कितना है देखिए, MRP कितना है 150, SP कितना है बताइए एक बार, SP कितना है 105, यानी कि डिस्काउंट देकर वो इसको इतने में बेच रहा है। अब देखिए आपके पास दो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितने का दे रखा है आपके पास, आपके पास डिस्काउंट जो है D1 और D2, डिस्काउंट कितने का है देखिए, पहला डिस्काउंट जो है आपको नहीं पता, मैंने मान लिया कि X% है, लेकिन आपको एक डिस्काउंट दिया हुआ ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पहला डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट, डिस्काउंट पहला हो या दूसरा हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तरीका हमारा वही रहेगा। सेकंड जो डिस्काउंट है वो है 12.5%, और 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% मतलब होता है यहाँ पर 1/8, और 1/8 मैंने आपको समझाया था, ये तो अगर आपका MRP है तो ये क्या हो जाएगा डिस्काउंट। अगर किसी वस्तु कोई वस्तु 8 रुपये की है, एक का डिस्काउंट दोगे तो बेचे कितने में उसको, 7 रुपये में आप बेचोगे उसको, तो वही करना है आपको। MRP के बटे में MRP कितना है, MRP है 8, 8 से भाग कर देंगे, SP के बटे में 7 तो कितना आएगा 7, सोल्व करेंगे देखिए, सोल्व कर लो उसको कितना आएगा देखिए आप लोग, 7 से काट दो कितने बार कटेगा 3, 15 बार कट जाएगा, और 15 से काट दो ये 10 बार कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 5 बार, तो अनुपात जा जाएगा 5, ये 4 चल जाएगा इधर, तो 5:4 आ गया, रेशियो कितना आ गया 5:4। देखिए एक डिस्काउंट दिया हुआ है, एक ही डिस्काउंट निकालना है तो हमें स्क्वायर क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, 5 की वस्तु का आप 4 बेच रहे हो तो कितने का डिस्काउंट है 1 का, कितने पर 5 पर, इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20%, तो 20% क्या आ गया आपके पास डिस्काउंट आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 20%, तो ये इसका आंसर है। बताइए इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, ठीक है आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ कई बार, अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बेसिक मैं आपको करवा चुका हूँ, और एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार जो है अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है, तो बताइए लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए आपको दिया हुआ है कि CP जो है मान लेते हैं कि 100 रुपये था, लेकिन दुकानदार क्या करता है क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, किसको MRP को, 20% ज़्यादा अंकित करेगा तो कितने बेचेगा, MRP कितना होगा 120। अब क्या कर रहा है MRP पर वो 15% की छूट देता है, कितनी देता है 15%। देखिए MRP पर अगर वो डिस्काउंट देगा तो किसके बराबर होता है SP के, तो MRP कितना है 120, इस पर डिस्काउंट कितना है बताइए एक बार, कितना है 15%, तो 85 हो जाएगा, ये बराबर कितना जाएगा सेलिंग प्राइस, सोल्व करोगे तो कितना आएगा देखिए, एक दूसरे जो ये कट गया 5 × 2 = 10, 5 से काटो 17 बार, 2 से काटो 6 बार, कितना आ गया 102, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 102, कितना आ गया 102। CP कितना था आपके पास 100 था, CP 100 था और सेलिंग प्राइस कितना है 102, तो कितने का आपको प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 2 का, 2% का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 100 पर ही है तो 100 पर निकालेंगे तो 2% क्या जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो था आपका एग्जाम में करने का, मतलब आपको बेसिक से सोल्व करने का तरीका, एग्जाम में आता है तो कैसे करोगे देखिए, 100 क्या होता है CP होता है, 20% आपने बढ़ाया कितना होगा 120, 15% का डिस्काउंट दोगे कितना आएगा 85%,
सोल्व करोगे कितना आएगा, 102। 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से कितना ज़्यादा है, 2%। जितना ज़्यादा है वही क्या होगा इसका प्रॉफिट होगा। अगर 100 से कम होता तो क्या होता, लॉस होता आपका, और अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस एग्जाम में इतना करना है आपको ना, तो 1 या 2 सेकंड लगेगी आपको, सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगेगी सिर्फ आपको एग्जाम में, इतना ही करना है इसको, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक घड़ी विक्रेता जो है, एक घड़ी पर जो कि विदेश में उसे 500 रुपये की पड़ती है, 10% क्या देता है वो सीमा शुल्क देता है, और 25% की डिस्काउंट देता है। 25% का क्या देता है वो डिस्काउंट देता है, और क्या करता है 20% का लाभ भी कमाना चाहता है, ठीक है भाई। तो बताइए उसकी MRP कितनी होनी चाहिए। देखिए जब भी आपको डिस्काउंट और MRP और सॉरी डिस्काउंट और प्रॉफिट दे, तो आपको एक रेशियो आपको याद रखना है, MRP का और एक CP का। MRP का रेशियो क्या होता है आपका, 100 आपका प्लस कितना प्रॉफिट हुआ है वो, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, देखिए प्रॉफिट है 20%, तो लिख देंगे 100 प्लस 20 कितना आएगा, 120। CP के अंदर क्या लिखते हैं आप लोग, 100 माइनस डिस्काउंट, कितना आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हो गया ये 75। सोल्व कर देंगे, 15 काट देंगे 8 बार, 15 से काट देंगे 5 बार, तो रेशियो कितना आ गया MRP का और CP का रेशियो आ गया 8:5। अब देखिए क्या कह रहा है। अब स्टार्टिंग बढ़ी, एक घड़ी विक्रेता जो है, एक घड़ी पर जो इसे विदेश में पड़ती है 500 रुपये की। देखिए विदेश में गया वो, ठीक है, सपोज करिए अमेरिका गया वो, अमेरिका गया, वहाँ पर देखा उसने, एक शोरूम में गया, वहाँ पर उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, यहाँ पर 500 रुपये थी, उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 500 रुपये थी। लेकिन जब वो इंडिया आता है, जब वो इंडिया आता है तो उसको वहाँ पर क्या देनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है आपकी, क्या देनी पड़ती है यहाँ पर, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, और वो कस्टम ड्यूटी कितनी है, सीमा शुल्क देना पड़ता है, और सीमा शुल्क कितना है आपका 20%। 20% क्या देता है वो, सीमा शुल्क देता है। तो मुझे बताइए 500 का 20% कितना होगा, आप कहोगे कितना होता है, कितना होता है बताइए एक बार, अरे बताइए कितना होता है 20%, सॉरी 10% ना, सीमा शुल्क कितना है आपका 10% है, तो 10% कितना होगा 55, ओ सॉरी कितना होगा 50 होगा, तो 50 क्या होगा आपके पास, सीमा शुल्क होगा, ये क्या होगा आपका, सीमा शुल्क आपको देना पड़ेगा 50 रुपये, आपको सीमा शुल्क देना ही पड़ेगा, ये आपको कंपलसरी है। तो वो वस्तु आपके लिए कितने में पड़ी, वो वस्तु जो है आपने कितने में पड़ी टोटल। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, आपने इसमें किराया भाड़ा लगा के जो भी आपका खर्चा हुआ है वो सारा मिला के आपको कितने में पड़ रही है, वो होता है आपका क्रय मूल्य, वो होता है आपके लिए कॉस्ट प्राइस। तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी, वो 550 में, कितने की पड़ी 550 में, बस यही ध्यान रखना है आप। अब देखिए आप लोग 550 जो है क्रय मूल्य है, और हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है 5 है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है MRP, तो जो भी चीज़ निकालनी होती है उसको गुणा कर देते हैं, तो 8 से गुणा कर देंगे, सोल्व करेंगे तो कितना देगा 880 रुपये, कितना देगा 880 रुपये। बस आपको इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना था। मेन चीज़ यही थी कि अमेरिका में उसे कोई चीज़ 500 में पड़ रही थी, 10% का उसको कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क पड़ रहा था उसको, तो कितना आ रहा है 50 रुपये, तो 50 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। तो उसने कितने में खरीदी, उसे कितने बड़ी घर तक लाने में उसे कितनी वस्तु पड़ती है, वो होता है उसका क्रय मूल्य, वो होती है इसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 550 में पड़ी, तो क्रय मूल्य आपके पास है, तो MRP आप लोग निकाल सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार करवा चुका हूँ, बस थोड़ा सा ये अलग था तो मैं आपको करवा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे कैसा ही गुंजे, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज तो करता रहेगा, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ तो रीजनिंग, इसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेगा, सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक दुकानदार जो है प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है, और वह उन ग्राहकों को 4% और छूट देता है। भाई वो क्या करता है, 15% डिस्काउंट तो सभी को देता है वो, लेकिन कोई अपने घर के खास बंदे आते हैं, घर के कोई अपने मतलब जानकार हैं, दोस्त फ्रेंड हैं या अपने रिलेटिव हैं, उनको क्या करता है वो 4% का डिस्काउंट और देता है उनको, ठीक है। तो नकद भुगतान करते हैं, तो किसी 200 के खिलाने पर एक ग्राहक को वो कितने में पड़ी होगी, ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए कोई वस्तु अगर 200 रुपये की थी, तो पहला डिस्काउंट कितने का दे रहा है उसको, 15% का, तो बेचे कितने में, 85% पे। फिर कोई अपना दोस्त आ गया, जानकर आ गया, बोला ठीक है इतने में तो पड़ती ही पड़ती है, भाई मुझे कितना डिस्काउंट देगा, दोस्त आएगा भाई, अपन जाते हैं ना दोस्तों के पास में, बोलते तू मुझे कितना डिस्काउंट देगा, तो वो कहेगा चल ठीक है, तो अपना दोस्त है मैं तेरे को 4% और डिस्काउंट देता हूँ, तो इसका कितना देगा वो, 96% और देगा, ठीक है। देखिए सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, देखिए 5 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो 17 बार, ठीक है, 2 से काट 10 बार, ये कितना आएगा कितनी बार, 48 बार। अब आप लोग सोल्व कर सकते हो, देखिए अब सोल्व करने का तरीका देखिए क्या है इसके पास, 2 × 14 = 112,
तीनों को गुणा करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, दो आएगा। लास्ट में कितना आएगा, दो आएगा। और नीचे क्या है, दस है, ऊपर जाके एक पॉइंट बनेगा, तो लास्ट में क्या आएगा, पॉइंट टू आएगा। एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। आपको देखिए, आपको थोड़ा सा माइंड भी आपको साथ लेके जाना है, दिमाग भी आपको साथ लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग गुणा करने में लग रहे हो कि भाई एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप कितनी फास्ट आप लोग क्वेश्चन को कर पाते हो अपना माइंड को यूज़ करते हुए। आपको ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा गुणा कर रहे हो। अगर आप चेक कर लो, अगर आपका लास्ट डिजिट से काम चल रहा है तो आप लोग कर लीजिए उससे भी, ठीक है। आप लोग पूरा सोल्व करोगे तो आंसर कितना देगा, 163.2, ठीक है। आप लोग सोल्व कर लेना खुद ही, मैंने आपको बता दिया बस। चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। और अच्छा, इस तरह के मैं क्वेश्चन करा दूंगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, देखिए क्या कर रहा है। एक फेशियल किट का मूल 1500 रुपये है, ग्राहक इसके लिए 1173 क्या करता है, अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में दो छूटें देता है तो प्रथम छूट की प्रथम दर 15% है, तो छूट की सेकंड दर कितनी होगी। इसका आंसर आप लोग मुझे सभी कमेंट में करेंगे, इसका आंसर आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट में करेंगे। मैं सभी का कमेंट देखूंगा, कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन नहीं करता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन को सभी लोग मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, तो सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताएंगे। मैं सभी का कमेंट चेक करूँगा एक बार, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी पेन तथा पेंसिल के अंकित मूल्य जो है आपके, वो 1:2 के अनुपात में है, ठीक है। पेन और पेंसिल जो है, इनके जो आपके MRP हैं, इनके जो MRP हैं, उनका जो रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, वो कितना है आपका, 1:2 है। आगे क्या कह रहा है, देखिए दुकानदार जो है पेन पर तो 40% डिस्काउंट देता है, और पेन और पेंसिल दोनों पर मिलाकर वो 30% का डिस्काउंट देता है, तो बताइए पेंसिल पर डिस्काउंट कितने का था। देखिए आपको दिया हुआ है पेन, सेकंड दिया हुआ पेंसिल, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो है आपका 1:2। रेशियो में है तो हम क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, ताकि आपका परसेंटेज निकालना थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि पेन की जो कीमत थी वो 100 रुपये थी MRP, और पेंसिल की जो MRP थी वो कितनी थी, यहाँ पर 200 रुपये थी, मैंने ये मान लिया, ठीक है। ये क्या आपके यहाँ पर MRP है, ये क्या है MRP। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, अब ये कह रहा है कि पेन पर तो वो 40% डिस्काउंट देता है, पेन पर तो वो डिस्काउंट जो है कितने का देता है, 40% का डिस्काउंट देता है। तो 100 का 40% कितना होता है, 40%। तो 40% डिस्काउंट तो आपको किसे मिल गया, पेन पर मिल गया। और पेंसिल पर जो डिस्काउंट है वो हमें नहीं पता, पेंसिल पर डिस्काउंट हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि पेन और पेंसिल दोनों को मिलाकर जो डिस्काउंट है वो 30% है। देखिए पेन और पेंसिल टोटल कितने हैं, 100 और 200, यानी कि टोटल कितना हो गया, 300। तो 300 पर निकाल लेंगे 30%, कितना निकाल लेंगे, 30%। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 90। तो 90 क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, 90 रुपये का क्या आ रहा है पर डिस्काउंट आ रहा है। कितने का डिस्काउंट आ रहा है, 90 का डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी का डाउट क्लियर है क्या, कितने का। आप इसको 40 रुपये लिख लो एक बार ना, क्योंकि हालांकि परसेंटेज पे ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या लिखेंगे, इसको 40 रुपये लिख लो एक बार। इसको हम क्या मान लेंगे, एक बार रुपये मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 40 रुपये क्या मिल गया, इसको डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पर कितने का मिल गया, इसको 90 रुपये का टोटल पर, पेन प्लस पेंसिल पर कितने का डिस्काउंट मिल गया हमें, 90 रुपये का। अब आप लोग मुझे बताइए टोटल डिस्काउंट कितने का है, 90 रुपये का, और पेन पर डिस्काउंट है 40 रुपये का। तो पेंसिल पर डिस्काउंट कितने का रहोगा, तो आप कहेंगे 40 माइनस कर देंगे, तो कितने का डिस्काउंट रहोगा बताइए एक बार, कितने का डिस्काउंट रहोगा। तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे, 90 में से 40 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 50 रुपये। तो 50 रुपये का डिस्काउंट रहोगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या कर देंगे, अगर ये ऑप्शन में आपको मिल गया तो जल्दी बाजी में 50 टिक कराएंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो अच्छी बात है। देखिए अब देखिए 50 रुपये जो डिस्काउंट है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, 50 रुपये डिस्काउंट कितने पर है, 200 पर, इंटू कर देंगे 100 में, तो डिस्काउंट आ जाएगा आपका कितना देगा, 25%। तो 25% डिस्काउंट आपको किसे मिलेगा यहाँ पर, पेंसिल पर। बताइए क्लियर है क्या क्वेश्चन, 25% डिस्काउंट कहाँ मिलेगा आपको, पेंसिल पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देख क्वेश्चन वापस समझ लीजिए एक बार, पेन और पेंसिल का रेशियो था 1:2, तो मैंने मान लिया 2 जीरो लगा दी, 100 रुपये मैंने मान लिया कि पेंसिल की कीमत थी, 200 रुपये आपके, सॉरी 100 रुपये तो पेन कीमत थी और 200 रुपये आपके पेंसिल कीमत थी। इसने कहा कि पेन पर दो 40% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 40 रुपये का।
पेंसिल पर हमें नहीं पता, लेकिन टोटल पर डिस्काउंट 30% है आपका, तो 300 का निकालेंगे 30% यानी कि 90 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अब पेन पर 40 का डिस्काउंट है, टोटल 90 है, तो बचा कितना, जो भी आपका बचेगा यानी कितना बचेगा, 50 रुपये। 50 रुपये डिस्काउंट किससे मिलेगा आपको, पेंसिल पर। अब 50 रुपये डिस्काउंट मिला कितने पे, 200 पे, इंटू कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा, 25%। बताइए क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना, आसान सा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है वाला, प्रॉफिट एंड लॉस का ये, ठीक है, ये डिस्काउंट क्वेश्चन नहीं है आपका, ये उसका लॉस क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट का। देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो है 8,000 रुपये की किताब खरीदता है, ठीक है भाई, तथा 1/4 भाग 20% हानि में बेचता है, और वह शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कोई लाभ नहीं हो, कोई भी हानि नहीं हो। अब काफ़ी स्टूडेंट टीचर इसको अलग अलग तरीके से करवाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोग मेरे तरीके से करिए क्वेश्चन को, आप लोग बहुत जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए जब आपको पूछा ही परसेंटेज में है, मुझे आप लोग बताइए, जब आपसे पूछा ही परसेंटेज में है, तो आपको इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 8,000 रुपये का हमें कोई यहाँ पर यूज नहीं है, कोई यूजलेस है बिल्कुल ये। कैसे, देखिए इसने कहा है कि 1/4 जो है भाग, उस पर जो है 20% हानि पर है, 20% हानि है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हानि का मतलब होता है माइनस, बचा कितना भाई, टोटल है आपका, टोटल कितना होता है, एक मानते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में कितना मानते हैं, टोटल एक मानते हैं, उसमें से 1/4 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 3/4, ये सभी को पता है, तो बाकी का जो बचा 3/4, उस पर क्या बोल रहा है ये, उस पर कितने परसेंट का लाभ पर बेचे, तो हम मान लेते हैं एक्स परसेंट लाभ पर बेचता है, उसको कितने बेच रहा है, वो एक्स परसेंट लाभ पर बेच रहा है, और अगर ये लाभ है तो क्या करेंगे, इसको प्लस लेंगे, और प्लस को लिखने की जरूरत है नहीं, और ऐसा करने पर क्या हो रहा है, ऐसा करने पर हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, कोई भी हानि नहीं हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, जीरो, जीरो प्रॉफिट, जीरो लॉस। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको, 4 से काट दो 5 बार, तो 3/4x बराबर कितना जाएगा, 5, x का मान कितना जाएगा, 20/3, सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3 6 18 2, तो 6.66 आ जाएगा, यानी कि जो आपका जो x आ जाएगा वो कितना जाएगा, 6.66%। बताइए क्लियर है क्या, तो आपको कितने परसेंट लाभ बेचना पड़ेगा, इसको 6.66% लाभ पर आपको बेचना पड़ेगा, बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या। आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, 6 सही 2/3%, ठीक है, एक ही बात है, आप कैसे भी इसको ले सकते हो, बताइए क्लियर ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पढ़िए अगला क्वेश्चन, पढ़िए बराबर से, अगले क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, क्या कर रहा है देखिए। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया, ब्रीफ में कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया, किसी वस्तु का 1/3 भाग जो है 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर, अब शेष को 24% लाभ पर बेचता है, तो कुल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 6,240 का, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 1/3 वही लिखेंगे, 1/3 जो भाग है उसको तो बेचता है 15% लाभ पर, प्लस में लाभ है तो प्लस में लिखेंगे, बाकी का जो है क्या कर रहा है, 1/4 भाग, 1/4 भाग को बेचता है, कितने में बेचता है बताइए एक बार, 20% लाभ पर बेचता है। अब आगे क्या कर रहा है, शेष को, शेष कितना बचेगा आप लोग खुद ही चताइए, देखिए टोटल होगा 1, और इसमें से आपने 1/3 ले लिया, 1/4 ले लिया, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना देखिए, सोल्व करोगे कितना आएगा, 7/12, सोल्व करोगे कितना आएगा, 5/12, तो शेष कितना बचेगा, 5/12, तो आपको डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं आप लोग, 4 ऊपर जाएगा कितना आएगा, 7/12 आएगा, गुणा करोगे तो बचा कितना, 5/12, तो शेष जो बचा 5/12, इसको कितने बेचता है वो, इसको बेचता है 24% लाभ पर बेचता है, और बराबर में क्या आता है आपका, टोटल प्रॉफिट, बराबर में क्या आता है आपका, टोटल प्रॉफिट आता है, अभी मैंने आपको समझाया था, वो भी किस में आता है, परसेंटेज में आता है। ठीक है, सोल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, 3 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो 5 बार, 12 से काट दो 2 बार, तो कितना आएगा देखिए, 5 + 5 + 10, कितना आ गया, 20%, तो 20% क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया टोटल। ठीक है, आपसे जो आपको क्या दे रहा है, कुल जो लाभ है वो 6,240 है, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो 6,240 का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट आया है वो 20% आया है, और आपको क्या निकालना है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो मैंने आपको कहा था परसेंटेज में जब हम क्रय मूल्य मानते हैं वो कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो सोल्व कर लो उसको, 20 से काट दो 5 बार, अब आप सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप लोग खुद चेक कर लो, 5 से 30 आएगा ये, यानी कि 31 के आसपास आएगा, तो 31 के आसपास कौन सा है, 31 200 आएगा ना, ये आएगा।
ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31,200 रुपये आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही आ जाएगा। बताइए क्लियर रखा था एक बार। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, 1/3 भाग को बेचता है 15% लाभ पर, 1/4 भाग को बेचता है 20% लाभ पर, रिमेनिंग यानी कि इनको हटाने के बाद रिमेनिंग जो बचा 5/12 उसको बेचता है 24% लाभ पर, तो टोटल प्रॉफिट जो कितना आ गया 20%, और टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 6,240, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट बराबर हो जाएगा CP निकालने का 100 से गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर रहता है एक बार। अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको ये वाली ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी है तो बताइए कमेंट के अंदर, ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप लोग बताइए, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा था एक बार क्लास के अंदर, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट तो आप लोग करते रहिए, ठीक है। और कम से कम अगर आप इसके अंदर 50+ लाइक कर दोगे, चल लाइक कैसे करो आप लोग, आपके फैमिली के अंदर जितने मेंबर हैं सबका फ़ोन लेके करो, चाहे कैसे भी करो, ताकि वीडियो आगे जाए थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए। किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल हैं, किसी व्यापारी के पास 50 kg क्या है चावल हैं, ठीक है भाई। आगे क्या करें, जिसको वह एक हिस्सा वह 10% लाभ पर बेचता है, शेष 5% हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे 7% का लाभ होता है, तो बताइए 10% लाभ पर कितना चावल बेचेगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से करने का तरीके मैं आपको बता देता हूँ एक बार, उसके बाद बताऊँगा आपको एलिगेशन से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो 50 किलोग्राम चावल थे आपके, तो कुछ चावल मैंने मान लिया कि कुछ चावल आपके एक्स थे, ठीक है। इसको तो बेचता है वो 10% लाभ पर, तो बेचे कितने में 110 में बेचेगा। अब रिमेनिंग कितने बचे, टोटल थे 50, 50 में से आपने एक्स ले लिए तो शेष कितना बचेगा 50 - x, इसको बेचता है वो 5% हानि पर, यानी कितने बेचेगा 95% पर, ठीक है। और कुल मिलाकर उसे 7% लाभ होता है, यानी कि 50% लाभ होता है उसको 107% का। यहाँ से आप लोग सोल्व करोगे तो एक्स का मान आ जाएगा, और 50 में से एक्स माइनस करोगे उसको मान भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो कि 10% पर कितना बेचा और बाकी पर कितना बेचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सोल्व करना बेसिक से, तो ये तो एक क्वेश्चन बना दिए, आप लोग खुद सोल्व करना है इसको। बाकी मैं बता दूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी आपके पास तीन उत्तर हों, जैसे आपको दे दे कि पहले पर इतना प्रॉफिट हुआ, सेकंड पर इतना प्रॉफिट हुआ, और तीनों पे ऑल ओवर कितना प्रॉफिट हुआ, अगर आपको ये तीन चीज़ें मिल जाएं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना आपको लगाना है एलिगेशन। क्या लगाना है आपको, एलिगेशन, है ना। या आप बोल सकते हो इसको मिश्रण, मिश्रण ही बोलते होंगे, देख लेना आप लोग, मुझे नाम याद नहीं है, वैसे मिश्रण ही बोलते जाता है इसको, ठीक है। तो क्या बोलते हैं एलिगेशन, एलिगेशन क्या लिखेंगे, देखिए जैसे आपसे बोला है कि 50 किलोग्राम चावल है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि एक हिस्सा, पहला जो हिस्सा है और सेकंड जो हिस्सा है, इसको तो बेचता है वो किस पर, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचता है। सेकंड हिस्सा जो है वो 5% हानि पर बेचता है, यानी कि 5% हानि पर बेचता है, माइनस लिख देंगे। और टोटल जो है आपको 7% लाभ होता है, टोटल जो है वो 7%, टोटल का लिखेंगे हमेशा बीच में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको करेंगे इस तरीके से सॉल्व, देखिए 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 12। अब कुछ कहोगे सर 7 में से 5 गया 2 बचता है, लेकिन ध्यान रखना 7 में से अब -5 घटा रहे हो तो कितना बचेगा 12, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस जाएगा। सोल्व करोगे कितना आएगा, 4:1, तो कितना आएगा 4:1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब कह रहा है कि टोटल कितना था, 50 kg था भाई, टोटल जो था वो था 50 किलोग्राम, और हमारे पास टोटल कितना आया, 4 और 1 5 आया। हमें पूछा है कि 10% लाभ पर कितना चावल बेचा, तो 10% लाभ पर कितना था, बताइए ये 10% ये रहा ना, 10% ये था आपका, तो इस पर कितना बेचा, 4 बेचा, तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना देगा 40, तो 40 kg चावल जो है उसने 10% लाभ पर बेचे, ठीक है। अब इसी एलिगेशन मेथड को आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, देखिए इसी एलिगेशन मेथड को कईयों को थोड़ा सा माइनस करने में दिक्कत आएगी, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो उसको, आप लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हो फर्स्ट और सेकेंड को। देखिए 10% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने में, 100 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 110। 5% हानि पर बेचा, तो 100 से 5 कम कर दो, कितना जाएगा 95। 7% टोटल प्रॉफिट हुआ, तो कितना जाएगा 107। सोल्व कैसे करो, आंसर आपका वही आएगा, देखिए कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, रेशियो हमेशा वही आएगा, रेशियो हमेशा क्या आ जाएगा वही आएगा, फिर आपको सोल्व वैसे ही करना है, ठीक है। तरीका आप लोग कैसे अपना सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा हमेशा। बताइए क्लियर है क्वेश्चन, क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एक बार
अरे बता दीजिए एक बार, क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे था एक बार। और आप लोग परेशान तो नहीं हो ना, अगर आप डेढ़ डेढ़ घंटे के अंदर आप लोग परेशान हो जाते हो, एक डेढ़ घंटे के अंदर, तो फिर आप लोग कैसे एग्जाम दोगे भैया ना। तो आपको एनर्जी वही रखनी बना के, कम से कम आप आया करो कि सर एक घंटे तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको फुल एनर्जी रखनी है, ठीक है। आपको तो मज़ा आना चाहिए कि इतने अच्छे से क्वेश्चन करवा रहे सर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका इसी पर बेस्ड है, तो देखिए कैसे करते हैं। एक व्यक्ति जो है 5 घोड़े और 7 गाय 5,850 रुपये में खरीदता है। यदि घोड़े पर उसे 10% का लाभ होता है और गाय पर 16% का लाभ होता है, यदि उसे वह कुल लाभ जो है 702 का होता है, तो बताइए एक घोड़े और एक गाय का क्रमूल बताइए। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर, दो आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, दोनों आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, और टोटल प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है। दो प्रॉफिट दिए हुए हैं साथ में आपको टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? एलिगेशन। क्या लगाएंगे? एलिगेशन। और कैसे लगाएंगे आप लोग खुद चेक करो। देखिए आप लोग, आपके पास क्या है? 5 घोड़े हैं, यानी कि 5 क्या हैं? हॉर्स है, ठीक है। और 7 क्या हैं? गाय हैं। 7 क्या हैं? काऊ हैं आपके पास। अब देखिए एक मिनट, वेट वेट, इसको मैं हेल्प थोड़ा लेता हूँ ना, ताकि आपको क्वेश्चन भी आपको दिखता रहे प्रॉपर। 5 तो हॉर्स है आपके पास, ठीक है, और क्या है? 7 क्या है? गाय है। 7 काऊ है, ठीक, गाय है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए आगे, घोड़े पर उसे 10% का लाभ होता है। घोड़े पर अगर 10% का लाभ हो रहा है तो कितने बेचेगा वो? 110 पर, ठीक है, मैंने आपको समझाया था अभी। और यदि उसे 16% लाभ होता है गाय पर, तो कितने बेचेगा? 116 पर। यदि उसे टोटल लाभ जो है वो 702 का है। अब देखिए, अगर लाभ जो है, टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 702 का। तो आप क्या करोगे? आपको 702 यानी लिखना है। अगर ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, तो ये जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो भी आपको किसमें होना चाहिए? परसेंटेज में। तो 702 जो है वो आपको प्रॉफिट है, लेकिन कितने पर है? टोटल कितना है? 5,850। 5,850, तो टोटल पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सोल्व कर लेंगे, देखिए काटो सो कितने से कटेगा, ये 5 से काट दो एक बार, 5×5 एक 17 कट जाएगा, 5 से काट दो बार, अब काट दो कितने से कटेगा, ये 4, 6 से काट दो, ये पूरा 6 से कट जाएगा, तो कितना जाएगा? ये 12%। तो टोटल जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12%। तो 12% प्रॉफिट मिल रहा है, तो बेचो कितने में इसको? 112 के अंदर, ठीक है। याद रखना, अगर आप यहाँ CP लिखते हो तो यहाँ भी CP, यहाँ भी CP, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ तो इसमें क्या आएगा? प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में आएगा आपका ये। अगर आपका यहाँ पर, अगर आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस, यहाँ भी सेलिंग प्राइस। सोल्व करो, ये कितना आएगा? 4, ये कितना आएगा? 2, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया आपका? 2:1, रेशियो कितना आ गया? 2:1। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये समझाया मैंने वाला क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है? आपको निकालना है एक घोड़े का या एक गाय का क्रमूल निकालना है, लेकिन हमारे पास तो जो रेशियो आया है ना, ये 5 घोड़े का और 7 गाय का रेशियो आया है, तो हमें तो एक 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 का निकालना है। एक एक का कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए, और आपके पास टोटल जो था कितना था? देखिए टोटल CP था वो कितना था? 5,850। यानी कि मैं कह सकता हूँ 5,850 जो है वो कितने की वैल्यू है? वो 2 और 1 3 की वैल्यू। कितने की वैल्यू है? 3 की वैल्यू। अगर हमें निकालना है एक घोड़े की वैल्यू, अगर हमें एक घोड़े की कीमत निकालनी है, देखिए ये तो एक का आ गया, हमें निकालेंगे पहले 2 की, पहले किसी निकालेंगे 2 की, तो ये कितने का आएगा? ये 2 वैल्यू कितने की आएगी? 5 घोड़े की आएगी। ये वैल्यू कितने की आएगी? 5 घोड़े की, लेकिन हमें तो एक घोड़े की चाहिए। ये 5 घोड़े की आ गई है, लेकिन हमें अगर एक घोड़े की चाहिए तो क्या कर देंगे? 5 से भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 5 से भाग। अब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? देखिए 3 से काट दो, ठीक है, 3×3 2 बचेगा, 3×27 1×15, ठीक है, और 5 से काट दो तो कितना जाएगा? ये 780। तो एक घोड़े की जो कीमत आएगी वो कितना आएगी? 780 आपके पास आ जाएगी। वैसे अगर आप निकालोगे यहाँ पर, वैसे ही अगर आप एक गाय की कीमत निकालोगे, तो 5,850 जो है वो वैल्यू कितने की है? 3 की। और अगर हमें निकालना है घोड़े की, तो कितने की आएगी? 1 की वैल्यू निकालनी है मतलब। लेकिन याद रखना, ये जो वैल्यू आएगी एक, ये कितने की आएगी? 7 घोड़े की आएगी। और हमें एक घोड़े की चाहिए, तो क्या कर देंगे? 1/7 से
गुणा कर देंगे, 7 का भाग लगा देंगे। 16 का लेना आप लोग, कितने में कटेगा ये, 3 से काट दो, अब इससे कितने में कटा था ये, ये कटा था 1950 पर, 7 से काट देंगे, 7 दुनी 14 बचेगा 5, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये कटेगा नहीं शायद, ना आपका आंसर कुछ ना कुछ पॉइंटों में आएगा, आप लोग उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। आप लोग सोल्व कर लेना, आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 780, ठीक है। आपसे पूछा है एक घोड़े का और एक गाय का, तो ये आपका समथिंग पॉइंटों में आएगा, आप लोग सोल्व कर लेना खुद इसको, ठीक है। तो आपका जो घोड़े की कीमत आ गई, सॉरी हाँ घोड़े की कीमत आई, वो कितनी आ गई, 780, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको एक घोड़े की कीमत ही निकालनी थी यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व कर लेना खुद ही, कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। अरे भाई कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी ना, ठीक है। वही है आपका टोटल, आपको प्रश्न निकालना है, उसको आपको सोल्व करना है, और अगर किसी को समझ नहीं आए तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइज भी आप लोग कर सकते हो बाद के अंदर, ठीक है। चलो अब देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है वाला, पढ़िए क्या कह रहा है। एक आदमी ने कुछ संतरे जो है 25 संतरे एक की दर से खरीदे, और एक रुपये में उसे कितने संतरे बेचे कि 25% का लाभ हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब कितना आसानी से करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि 25 संतरे जो है एक की दर से, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक रुपये में क्या खरीद रहा है, वो 25 संतरे खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है, 25 संतरे खरीद रहा है, 25 ऑरेंज खरीद रहा है। तो बताइए एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी, एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी, 1/25 कितनी होगी, 1/25। अब क्या कह रहा है, कितने संतरे बेचे कि 25% का लाभ हो, ये तो क्या आ गया, CP आ गया, एक ऑरेंज का CP आ गया, ये तो क्या आ गया, CP आ गया। और 25% अगर वो लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने बेचेगा वो, 125% में बेचेगा। तो 25 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी कि जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, 1/20, यानी कि 1 रुपये में उसको क्या करना पड़ेंगे, 20 बेचेगा, 1 रुपये में क्या करने पड़ेंगे उसको, 20 बेचने पड़ेंगे, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, 1 रुपये में 25 संतरे बेच रहा है वो, तो CP कितना जाएगा, 1/25, एक संतरे का CP कितना आएगा, 1/25, 1/25 पर अगर वो प्रॉफिट चाहता है 25% का, तो कितने बेचेगा, 1/125/100, तो कितना आएगा, 1/20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 रुपये में 20 संतरे बेचने पड़ेंगे उसको, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अरे भाई आप कुछ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास के अंदर, ऐसे बोर्ड तो नहीं हो रहा ना आप लोग, क्लास में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, एनर्जी फुल रहनी चाहिए, एनर्जी हमेशा फुल रहनी चाहिए आपके अंदर। मैं भी तो देखिए, मैं तो आपके लिए क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन की एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद आपके लिए प्रेम लगाता हूँ। प्रीमियर का मतलब ये होता है कि पूरी वीडियो अभी एडिटिंग होगी आपकी, पूरी जो क्वेश्चन मैं आपको डालता हूँ ये आपके पूरे क्वेश्चन एडिट होते हैं, तो मुझे बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ी बहुत मेहनत क्या करो, पढ़ाई क्या करो, आप लोग टाइम पे एग्जाम भी आपके आ चुके हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लोग कर दिया करो ना, ऐसे मत किया करो आप लोग। देख क्या करा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 144 रुपये बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे होगा। देखिए पहले करेंगे इसको बेसिक से फिर करेंगे इसको ऑप्शन से। देखिए क्या कर रहा है, जितना उसका क्रय मूल्य है, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है उसका, CP है, ठीक है, और वो क्रय मूल्य मैंने मान लिया X है, ठीक है। तो याद रखना क्या हो रहा है, जितना क्रय मूल्य है उतना ही इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट भी जो होगा वो कितना होगा उसका, X% होगा, प्रॉफिट भी कितना होगा, X%। तो बताइए उसका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 144, आपको निकालना है CP कितना होगा। देखिए अगर क्रय मूल्य X है तो इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, X% का, तो हम लिखेंगे 100 + X/100, और ये किसके बराबर होता है आपको, सेलिंग प्राइस के। अरे भाई यही तो होता है ना, CP पर क्या लिखते हैं आप लोग, 100 + कितना प्रॉफिट हो रहा है / 100, ये किसके बराबर होता है, SP के। तो मैंने वही तो लिखा है यहाँ पर, ये CP हो गया X, प्रॉफिट कितना है आपका, X है यहाँ पर, तो 100 + X/100 हो गया, और ये SP के बराबर है, ठीक है। यहाँ से आप लोग सोल्व करोगे तो आपका जो X का मान आएगा वो कितना आएगा, 80 आ जाएगा, कितना देगा, 80 आ जाएगा। ये आप लोग सोल्व कर लेना खुद ही एक बार, ठीक है, कर लोगे ना आप लोग सोल्व एक बार। अरे बताइए एक बार क्या सोल्व, तो आप लोग कर लोगे ना, 80 आएगा या कुछ और आएगा, चलो हम लोग देख लेंगे एक बार कितना आता है, ठीक है। तो ये आ गया पास, 80 आएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग, क्योंकि आप लोग इसको सोल्व करोगे, इसको आप लोग सोल्व करोगे, या तो आप लोग ऑप्शन से इसमें रख लो वैल्यू, या तो आप लोग ऑप्शन से वैल्यू रख लो, या फिर अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो इसकी एक आपके दी का समीकरण बनेगा, उससे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए कोई भी आप लोग एक ऑप्शन उठाइए, जैसे मैंने मान लिया 80, पहला ही ऑप्शन 80 है, 80 अगर मैं CP मानता हूँ,
अगर सीपी जो है अगर मैं 80 मानता हूँ तो प्रॉफिट भी कितना होगा आपका, 80% होगा। क्यों होगा? खुद ने बोला है कि सीपी जितना है उतना ही आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो 80 का निकालेंगे 80%, 80% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बेचो कितने में उसको, 180 में बेचोगे। 100 करोड़ कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 144। जी आपका क्या आ रहा है सेलिंग प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो 70 × क्या करोगे, 170/100, तो कितना आएगा 27719। ये ऑप्शन था यानी तो सेलिंग प्राइस तो ये है ही नहीं, तो सेलिंग प्राइस था वही 144, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल चलो हो गया क्या, हाँ ये देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग करिए इसको देखिए, बिल्कुल करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करिए, आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करिए। 30 पर देखिए आपके पास लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे इसको, 70 बचेंगे, कितना आएगा बताइए, 21 जाएगा। और 21 आ रहा है यानी कि ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। कुछ भी नहीं करना आपको, सीपी पर क्या करना है आपको 100 माइनस लॉस करना है 2100, 21 के बराबर आएगा एसपी के, तो मान रख लेना आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद कर लेना, आप लोग मैंने आपको समझा भी दिया है, वैसे आप क्या करोगे। अब आएगा शानदार क्वेश्चन, अब आएगा आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं आता। दिखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, दिखने में आप तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन आपका दिखने में ही बड़ा होता है, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है वाला, आप लोग देखिए एक बार कैसे। राकेश जो है प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, क्या करता है विक्रय मूल्य पर क्या करता है निर्धारित करता है, ठीक है। रमेश जो है वो क्रय मूल्य पर करता है, देखिए राकेश और रमेश दो है, राकेश तो क्या करता है अपना जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है, रमेश जो है वो सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। दोनों के जो लाभ का अंतर है प्रॉफिट का अंतर जो है वो 150 है, यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो राकेश 25% लाभ कमाता है और रमेश 20% लाभ कमाता है, तो बताइए सेलिंग प्राइस उनका क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग राकेश, यहाँ लिखते हैं राकेश और यहाँ पर लिखेंगे रमेश, ठीक है। आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर यूज ले रहा हूँ एक बार। यहाँ पर लिखेंगे हम सीपी, फिर कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का आपका सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर वही आपका सीपी कितने का प्रॉफिट है कितने का आपका सेलिंग प्राइस है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपसे शुरू में कहा गया था कि राकेश तो अपना जो प्रॉफिट है वो एसपी पर डिपेंड करता है, लेकिन हम किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे सीपी वाले को, क्योंकि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालना आसान होता है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालना आसान होता है। हम क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपये, क्रय मूल्य मैंने मान लिया, रमेश का जो क्रय मूल्य है मैंने मान लिया कि 100 रुपये, रमेश का जो क्रय मूल्य है मैंने मान लिया 100 रुपये है, क्योंकि हम रमेश से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रमेश जो है वो क्रय मूल्य पर करता है, तो क्रय मूल्य वाला निकालना आसान होता है। हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे रमेश का 100। अब क्या करें, रमेश जो है वो लाभ कमाता है 20%, रमेश अगर क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है 20%, मैंने रमेश को पहले क्यों लिया, क्योंकि रमेश जो प्रॉफिट है वो सीपी पर कमाता हुआ है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। आपकी सेकंड जो लाइन में देखिए आप लोग, फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखिए आप लोग, रमेश जो है क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, ठीक है। तो 20% लाभ कमा रहा है तो बेचे कितने में, 100 रुपये सीपी है, 20 प्रॉफिट है तो बेचे कितने में, 120 में। अब क्या कर रहा है आगे, वो इसमें साफ बोला है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, यानी कि इसका अगर विक्रय मूल्य 120 है तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा राकेश का वो भी कितना आएगा, 120 आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राकेश जो है प्रॉफिट कमाता है कितना, 25%, राकेश जो है 25% प्रॉफिट कमाता है, वो भी सेलिंग प्राइस पर, यानी कि मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ, 120 पर निकालेंगे 25% कितना आएगा, 1/4 यानी कितना आएगा 30, यानी कि 30 रुपये का क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है 30 रुपये क्या कमाता है, प्रॉफिट। मैंने विक्रय मूल्य पर लिया है, क्यों, खुद ने बोला है कि विक्रय मूल्य पर आपको डिपेंड करिए, ठीक है, विक्रय मूल्य पर इसने निर्धारित किया है, इसलिए 30 रुपये हो गया। तो सीपी कितना होगा, सीपी क्या होता है हमेशा कम होता है, तो 30 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा आपका सीपी आ जाएगा, यानी कितना जाएगा 90 आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन एकदम आसान है। अब क्या कर रहा है, देखिए दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है, आप चेक करिए आपका जो प्रॉफिट यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना है 20 है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का है,
प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का है। कितने का है? 10 का है। और आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, देखिए 150 रुपये दिया हुआ है प्रॉफिट का डिफरेंस, और हमारा आंसर आया वो 10 आया है। आपको क्या निकालना है? जो भी निकालना है उससे गुणा करते हैं। हमें निकालना है एस पी। एस पी कितना माना है यहाँ पर? 120। दोनों का सेम है तो एक का निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 1800। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका? 1800 रुपये। बताइए क्लियर है क्या? आसान सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है? फिर भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ मतलब क्वेश्चन, देखिए अगर किसी को डाउट है तो देखिए। राकेश और रमेश थे आपके पास, दो यहाँ पर आपके स्टूडेंट थे या कैंडिडेट थे जो भी थे आपके, उनका सी पी और एस पी आपको लिखना है पर टे। अब इसमें क्वेश्चन में बुलाया है कि राकेश तो जो है अपना जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर यानी कि विक्रय मूल्य पर करता है, डिपेंड करता है, वो करता है निर्धारित करता है, लेकिन जो रमेश है वो किस पर करता है? सी पी पर। तो हम क्या करेंगे? सी पी वाले को पकड़ेंगे, क्योंकि सी पी पर प्रॉफिट निकालना आसान होता है। सी पी हमने क्या मान लिया? तो हमने क्या कर, रमेश को पकड़ा, रमेश का सी पी हमने 100 मान लिया। तो प्रॉफिट अगर 20% आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 120। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या सेम है, यानी ये भी कितना हो गया आपका? 120। अब राकेश जो है वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कमाता है 25%, 120 का 25% कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 रुपये अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका सी पी कितना होगा? सी पी कम होगा ना इसका, ये सी पी तो कम ही होगा आपका, वो कितना आएगा? 90 रुपये जाएगा, ठीक है? कितना आएगा? 90 रुपये जाएगा। उसके बाद तो आपको बता के डिफरेंस की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी रखी है? 150। और हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आया? 10 आया। और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 120 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं सोल्व करना। बताइए कैसा था क्वेश्चन वाला, बताइए ये क्वेश्चन जो है वो कैसा लगा आपको, मेरा तरीका कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप लोग खुद आना एक बार, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति एक मेज़ और एक कुर्सी जो है 500 में खरीदता है, वह मेज़ को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे 10 रुपये का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रयमूल्य बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं करवा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको दिया गया एक कुर्सी, क्या दे रखा है? एक टेबल, एक टेबल और क्या दे रखा है आपको? एक चेयर। एक क्या है? चेयर है। इनका जो प्राइस है वो दे रखा है आपको 500 रुपये। और पहली जो मेज है, पहली जो आपकी टेबल है, टेबल और क्या है? चेयर है। टेबल पर तो क्या देता है वो? 10% हानि पर। 10% हानि मतलब कितने में बेचेगा? वो 90 में बेचेगा। और चेयर पर 10% का लाभ हो रहा है तो बेचे कितने में? 110 में बेचेगा, ठीक है? ये परसेंटेज में है, किस में है? ये परसेंटेज में, ये किस में है आपका? परसेंटेज में, याद रखना आप लोग, ठीक है? तो आपका जो यहाँ पर टोटल आएगा ये भी किस में आएगा? परसेंटेज में। लेकिन हमें दे रखा है कि 10 रुपये का लाभ होता है। अब 10 रुपये का लाभ हो रहा है तो हमारा जो परसेंटेज में लिखेंगे हम लोग, इसको भी क्या लिखेंगे? परसेंटेज में। तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है टोटल, तो कितने पर हो रहा है? 500 पर। टोटल निकालना है तो क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? 2%। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है? 2% का, यानी कितने का बेचेगा इसको? 102 में। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 जाएगा। ये कितना आएगा? 8। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ठीक है? कुर्सी का क्रयमूल बताइए। तो देखिए कुर्सी कौन सी थी आपके, बताइए पर। अरे कुर्सी कौन सी थी बताइए पर, कौन सी थी? चेयर। चेयर निकालनी आपको, यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप लोग चेक करिए, 500 जो वैल्यू है वो टोटल की, यानी 3 और 2 5 की है, और आपको चेयर निकालनी है 3 की, तो गुणा कर देंगे 3 से, तो कितना जाएगा? 300 रुपये। तो 300 रुपये क्या जाएगी? चेयर की यहाँ पर आपके प्राइस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही आंसर है, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। चलो आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है और एक आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या करा है। किसी वस्तु पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ पुस्तकें जो हैं 20,000 में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 50 पुस्तकें जो हैं निःशुल्क पड़ जाएँ, तो बताइए कितने परसेंट पर पुस्तकें बेचेगा? अरे यार सीधा सा क्वेश्चन है, 50 का प्रॉफिट चाहिए उसे। सीधा सा क्वेश्चन है, 50 बुक फ्री चाहिए और टोटल जो बुक है वो कितने हैं? 500 है, तो 500 पर 50 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना जाएगा? सोल्व कर लो कितना आएगा? 10%। क्वेश्चन नहीं पढ़ा है आपको, 20,000 से तो मतलब ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि आपको चाहिए परसेंटेज के अंदर, ठीक है? तो आपको आई होप आपको मज़ा आया होगा। बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, सभी लोग बताइए एक बार, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास में मज़ा आया या नहीं आया, आपके कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, इतना बताइए। क्या आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हुए या नहीं हुए, इतना आप लोग मुझे बताइए। क्या आपको आज वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, इतना आप लोग मुझे कमेंट में बताना है सभी को।
कमेंट सभी को करने हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बिना कमेंट के फिर मुझे नहीं आता है मज़ा पढ़ाने में, क्योंकि मुझे पता कैसे लगेगा कि आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आपको करते रहना है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, सभी को वीडियो को शेयर करनी है, जितने आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप वगैरह सभी में आपको शेयर करनी है, ताकि थोड़ा सा आपको चैनल भी थोड़ा ग्रो हो आगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर। और जितने ज़्यादा मैं आपको फिर बताता हूँ, जितनी ज़्यादा इस पर 50 लाइक आती है अगली वीडियो आपके पास आ जाएगी। आप लोग 50 लाइक कैसे करो, आपके फ्रेंड के फ़ोन ले करो, कैसे भी करो, 50 लाइक आते ही अगली वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, ऑल ऑफ यू।